press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजे इलाही खान जी, जो कि आज धमाकेदार इंटरव्यू देंगी। खासकर ओवैसी की जो हैदराबाद सीट है उस पर बीजेपी ने एक जबरदस्त गुगली फेंकी है और माधवी लता जी को ओवैसी के सामने खड़ा कर दिया। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पर आप देखेंगे नाजी इलाही खान जी का जबरदस्त और दमदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी अश्लीलता से अगर कोई बाहर निकाल सकता है हैदराबाद की बच्चियों को, उस अवेसी के क्षेत्र की बच्चियों को, तो वो बस एक ही नाम। रिमेम्बर एक चीज और रिमेम्बर नाजिया, हैदराबाद में वो सऊदी के बड़े बड़े लोग आते थे जो लड़कियों को वन नाइट के लिए लेकर और चले जाते थे, फिर वहां ले जाके बेच देते थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। अभी तो 12 दिन पहले कुछ नाम है ना उसका, कुछ नाम है उस, वो जो खरीदते हैं बच्चियों को। हाँ एग्जैक्टली, और उसी का हैदराबाद उसी का तो गढ़ है ना, अभी भी वहां पे ये सिस्टम चल रहा है। गायत्री जी, 12 दिन पहले की बात है कि एक मासूम बच्ची ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी है, जो न्यूज में आया है, अल जजीरा तक में छपा हुआ है। एक बच्ची ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, मुबारक हो अम्मी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यहाँ से खरीद के लेकर गया था निका मसियार के नाम पर। आप सोचो, अब मैं आती हूँ कि और मुसलमान क्यों वोट करेगा माधवी जी, क्यों असदुद्दीन अवैसी के मुंह पे थूकेगा मुसलमान भी। हमारे भारत में 1947 से 1977 तक 5 जिहादी मुसलमान एडुकेशन कैबिनेट मंत्री बने थे, जिनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम, फखरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन। इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, इन्होंने कुछ किया ऐसा? अरे पांच मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट में बैठा हुआ है और केंद्र की सरकार में बैठा हुआ है, 5 का मतलब हो जाता है 25 साल। 25 साल में तो मुझे लगता है कि कम से कम 25 लाख IAS IPS तो हो ही सकते थे भारत में। और गोद अगर पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला जनरेशन भी पढ़ा लिखा होता, तो 25x25 कर दीजिए तो उस हिसाब से तो लाखों करोड़ों के तादाद में IAS IPS टीचर, प्रोफेसर, जज, बैरिस्टर मिल सकते थे हम लोगों को, क्योंकि 5 एडुकेशन मंत्री मुसलमान रहे हैं। पर इन्होंने क्या किया, इतिहास गवाह है और सारे सर्वे रिपोर्ट गवाह है कि इन पांचों ने बाबर को अजीम बनाया, अकबर को अजीम बनाया, हुमायूं को अजीम बनाया, शाहजहां को मोहब्बत का सरताज बना दिया और औरंगजेब को हिंदुओं को काटने का और मंदिरों को तोड़ने का बहुत बड़ा शाही बादशाह बना दिया। इनकी इन इन, इन, इन जिहादियों की तस्वीर मेरे हाथ, ठीक है? तो इन्होंने ये काम किया, इन्होंने मुसलमानों को ये नहीं कहा पढ़ लो, कुछ बन जाओ, अभी एक मुसलमान चेयर पे बैठा है, आज बनोगे पूरी जिंदगी भारत में रहते रहोगे, पूरी जिंदगी एक मुकाम हासिल कर लोगे, इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा देखो औरंगजेब कितना अच्छा था, मंदिरों को तोड़ता था, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता था, सिर्फ गुंबद बैठा देता था और माइक लगा देता था हैया अलल फला और हैया अलल सला के लिए। बाबर बहुत अजीम है, बहुत अजीम है, और हरम में 13 साल की बीवी रखा करता था। अरे शाहजहां मोहब्बत का सबसे बड़ा नाम है, शाहजहां को जो फॉलो करेगा वो तो अपनी बीवी का बहुत वफादार होगा। अरे भाई साहब, इतना भी बेवकूफ मत बनाओ। शाहजहां वो था जो गोद में एक लेकर बैठता था, कंधे में एक लेकर बैठता था, छाती पर एक लेकर के बैठता था और 2-4 नंगी औरतों को सामने रखता था, क्योंकि शाहजहां को नंगी औरतें देखना बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। अकबर कौन था भाई, वो तो अनल सेक्स भी करता था, वो तो मर्दों के साथ भी करता था, लेना और देना, लेना बैंक दोनों था अकबर के साथ। तो इन्होंने इन 5 मुसलमान एडुकेशन मंत्री ने मुसलमानों को और अश्लीलता की तरफ भेजा। इन्होंने जानबूझ करके मदरसों पे ज्यादा फोकस किया, इन्होंने जानबूझ करके शाही ईदगाह पे ज्यादा फोकस किया, इन 5 जिहादियों ने जानबूझ करके मुसलमानों को बताया कि तुमको मुगलों को फॉलो करना है, तुमको प्रॉफिट को फॉलो नहीं करना है, तुम मुगल को फॉलो करो। तो आज कहीं ना कहीं ये इन 5 जिहादी कैबिनेट मंत्री की वजह से मुसलमान भारत के हो गए हैं मोहम्मद के स्लीपर सेल, मोहम्मद की उम्मत नहीं रहे हैं, ये मोहम्मद के स्लीपर सेल हो गए हैं।
और ये इनके इनके सरताज हो गया है, ये सब ठरकी शाहजहां और ठरकी अकबर बाबर और औरंगजेब, इसलिए इसलिए मुसलमान ने अब तय कर लिया है कि ना, हम मुसलमानों पर अब यकीन नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे उसको करेंगे जो शिक्षा की बात करेगा, हम वोट उसको करेंगे जो मेरे इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात करेगा, हम वोट उसको करेंगे जो मुसलमानों के को आगे बढ़ाने की बात करेगा, हम वोट उसको करेंगे जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं किसी दर्जे पर एक इज्जत आबरू के साथ बिठाने की बात करेगा, हम वोट उसको करेंगे जो मुसलमान बेटियों को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, और उसमें माधवी जी बिल्कुल फिक्स बैठ रही है। माधवी जी बिल्कुल फिक्स बैठ रही हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ना सिर्फ वो बहुत ही कट्टर है, फायर ब्रांड है, जितनी टक्कर, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है वैसे, बाय द वे फॉर व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, शी इज नॉट एन एक्टिव पॉलिटिशियन, बट वो जितना फायर ब्रांड असदुद्दीन ओवैसी है, मैं ये बोलूंगी उनसे एक कदम आगे होंगी, उनसे एक कदम पीछे नहीं होंगी, क्योंकि चार मीनार के सामने जो अभी आपने बात कही सो कही, ये मैं आज का दिखा रही हूँ आपको, दिस इज ऑफ टूडे, ये Hindus along with BJP Hyderabad MP candidate Madhvi Lata staged a protest blocking the main road at Hanuman Temple in Saidabad against authorities for constructing steel bridge over temple in spite having enough place aside. ये तो भैया उतरी हुई है ये मैदान में MP का टिकट देखो। अच्छा ये तो चलो एक चीज हो गई, मुझे थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बताओ नाजिया, अगर ये उनसे जीत जाएंगे तो इस्लाम में क्या कहा जाएगा, अगर ये उनसे हार जाएंगे तो इस्लाम में क्या कहा जाएगा। बट फ्यू वर्ड्स फॉर माधवी लता, हैट्स ऑफ, घर से मैं अपने बहुत सारे व्यूज को मैं कहती हूँ, एजुकेशन, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्लाइमेट चेंज बकवास है। मैंने देखा है कि यंगेस्ट IITian होम स्कूल किड रहे हैं आज के डेट में, यंगेस्ट MBBS डॉक्टर होम स्कूल, मतलब ये जो एजुकेशन के सिस्टम, ये जो पैसा छापने का बन गया ना सिस्टम अक्रॉस भारत या इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, महिलाएं जब अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाती हैं, और ये मैंने मैंने कई केसेस में देख लिया है, आप बड़े बड़े स्कूलों में भेज देते हैं बट कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा अच्छा निकलेगा, पर आप घर पर पढ़ाकर देखिए उससे कहीं बेहतर रिजल्ट देते हैं बच्चे, एंड शी इज डन इट, शी इज गिवन 3 IITians होम स्कूलिंग के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी सोशल वर्क में इतनी एक्टिव रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है, तो आपको पता होगा किस तरीके से, मतलब एक टांग पर खड़े रहना होता है बिकॉज आपके पास इतना काम होता है, ये होती है दुर्गा माँ की ताकत, मैं ये बोलूंगी। कमिंग टू योर क्वेश्चन, इस्लाम में क्या कहा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए? इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखिए, एक तो मैं पहले आपको बता दूं कि माधवी जी हार नहीं रही है, वो जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है, भारी वोट 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 के डिफरेंसेस से वो असदुद्दीन ओवैसी को हराएंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मोर देन 2 लाख वोट से ज्यादा से असदुद्दीन ओवैसी जीता है, पर इस बार महिला शक्ति से उसका सामना हो रहा है, और पहली बार 1984 से लेकर के 2023 तक में ये पहली बार है कि असदुद्दीन ओवैसी का सामना महिला शक्ति से हो रहा है। अब आती है बात कि इस्लाम के हिसाब से औरत का काम है पजामा खोलना और बच्चा पैदा करने की मशीन बनना और मर्द मुसलमान मर्दों की ठरकबाजी को सेटिस्फाइड करना, इसके अलावा मुसलमान औरतों का इस्लाम में कोई काम रहा ही नहीं है, चाहे आप शरिया पढ़ लो, चाहे आप बहिश्ती जेवर पढ़ लो, चाहे आप अल कुरान पढ़ लो, चाहे आप ओवैसी का भाषण सुन लो, ऑल इन ऑल सिर्फ इतना ही है कि चल सलवार खोल और मेरे को सेटिस्फाइड कर और बच्चा पैदा कर, ये अल्लाह की देन है, बच्चा पैदा करने की मशीन बन जा। अब ऐसी सोच रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी हारते हैं माधवी जी से, तो या तो सुसाइड करेंगे और या तो फिर घर में बंद हो जाएंगे। औरत से हार गया, कैसे औरत जीत गई, औरत से जीत धिक्कार है तेरे ऊपर, तू औरत से जीत के है धिक्कार और हार गया, तू औरत से हार गया, मतलब चिट भी मेरे जीतने का जो परसेंटेज है ना गायत्री जी, वो 10% पे आ चुका है, 10% पे आ चुका है, एंड ड्यूरिंग कैंपेनिंग मैं आपको बता दूंगी एकदम फैक्ट फिगर कि कितने वोट से ये चिलगोदा, ये मोहम्मद का स्लीपर सेल ये हार रहा है, ये मैं आपको बता दूंगी। और जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से इनको मिला है उसी कॉन्स्टिट्युएंसी में राजा सिंह जी भी हैं, ये हम कैसे भूल सकते हैं, फायर ब्रांड, अभी उनकी रैली हुई थी मुंबई में और आपने देखा था लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ओ माय गॉड, मतलब देखने, और उसी कॉन्स्टिट्युएंसी से मैं ये बोलूंगी वो MLA हो गए हैं, इनको MP के लिए टिकट दिया गया है,
क्या देखती हो, जुगल मंदी हैदराबाद में पूरा धूम मचाने वाली है। एकदम सही जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी माधवी जी को, क्योंकि जैसे हम लोगों का ना पॉलिटिकल कल्चर कभी नहीं रहा है, बट वी अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स वेरी वेल। हमें पता होता है कि हमें एक्चुअली में हमें ज्यादा पता हो जाता है कि जीरो ग्राउंड पे जनता को कैसा नेता चाहिए होता है, जो जो उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन जिन लोगों की है उनको क्या चाहिए, कैसा उनका रिप्रेजेंटेटर चाहिए, ये हमें पता हो जाता है जो बहुत मतलब पॉलिटिकल मैदान से नहीं आ रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माधवी जी एक इतिहास को बदलेंगी और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाएंगी, वो भी सुनहरे लफ्जों में लिखवाएंगी, सुनहरे कलम से लिखवाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं वो तो आज से ही नमाज पे दुआ कर रही होंगी कि माधवी जी जीत जाएं, ताकि मुसलमान बेटियां जो बेची और खरीदी जा रही हैं और मुसलमान बेटियों को जो नंगा नाच नचाया जा रहा है वो खत्म। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ओवैसी को पूरी तरह से उधेड़ के रख दिया। और हमारी पूरी शुभकामनाएं और विशेष हैं माधवी लता जी के साथ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी मजेदार इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।